यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अंदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। और गाइस अगर आपने लास्ट लाइव एपिसोड देखा था तो आप सभी को पता होगा लास्ट टाइम ना गाइस अपने शोरूम पे ना कुछ गैंग के बंदे आए थे, दो तीन गैंग के बंदे थे जो कि अपने शोरूम पर आ करके ना शोरूम के अंदर घुस करके सीधा जिम्मी को और बेनी को भाई साहब किडनैप करके ले गया। फिलहाल तो जब मैंने अपने शोरूम पर वापस आया और CCTV फुटेज चेक किया तो गाइस मुझे पता चला कि वो ना लॉस्ट गैंग के बंदे थे, ब्लास्ट गैंग के बंदे थे और पता नहीं उनके साथ ना कुछ और भी बंदे थे जो कि बिल्कुल अलग ही गैंग के बंदे थे। तो फिलहाल तो मैंने लेस्टर से बोल के ना मतलब अपने शोरूम पर ना थोड़ी बहुत अभी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लगा दिया है क्योंकि गाइस अभी ना यार पता नहीं लॉस्ट गैंग के बंदे ने कुछ ज़्यादा ही चौड़े वाले हैं। लास्ट टाइम यार जिम में उन लोगों ने किडनैप करने की कोशिश किया था लेकिन माइकल ने उनका मुंह तोड़ दिया था। फिलहाल तो यार लेस्टर क्या मतलब लेस्टर ना अभी उनका लोकेशन ट्रेस करने में लगा हुआ है और लेस्टर भी ना अभी अपने शोरूम पर ही है। फिलहाल अभी अपने शोरूम पर ना थोड़ी बहुत गार्ड्स है तो अभी ना हम लोग थोड़ा सा तो सेफ है, लेकिन अभी ना गाइस यार हमें कुछ भी करके ना घर पर भी सिक्योरिटी गार्ड लगवाना चाहिए। गाइजर पता नहीं वो लोग अगर अपनी फैमिली पर अटैक कर दिए या फिर किडनैप कर लिए तो भाई दिक्कत हो जाएगा। तो फिलहाल लेस्टर से ना किसी से बात कर रहा है तो एक बार इन्हें वेट करते और भाई बात करते हैं। तो गाइजर अभी ना लेस्टर को ना लॉस्ट गैंग के बंदों का कॉल आया था और भाई साहब वो लोग बोल रहे ना कि अगर तुम्हें जिम्मी और बेनी जिंदा चाहिए तो भाई साहब जल्दी से $100 मिलियन का जुगाड़ कर और मुझे ला करके दे, तभी वो लोग छोड़ेंगे वरना भाई साहब यार अपने पास एक भी पैसा नहीं है और 100 मिलियन और भाई साहब कहाँ से लाऊंगा मैं। फिलहाल लास्ट टाइम जो हम लोगों ने मैंसन से लाया था पैसे वो भी हमें देना है उस बंदे को और फिलहाल तो गाइस इनको देना पड़ेगा इतने सारे पैसे बेनी और जिम्मी को छुड़ाने के लिए। गाइस कहाँ से लाएंगे हम लोग। तो यार अभी ना मैंने बोल दिया लेस्टर से साफ साफ कि अभी ना यार तू कुछ भी कर और भाई साहब मुझे ना 100 मिलियन जुगाड़ करके दे, मैं ना यार जिम्मी को और बेनी को खोना नहीं चाहता। फिलहाल तो यार वो दोनों अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अभी ना मैं जा रहा हूँ सबसे पहले मिलिट्री कर्नल से मिलने के लिए। गाइस आपको पता होगा मिलिट्री कर्नल अपने स्पेशल फोर्स के साथ ना अभी मतलब लॉस सैंटोस में ना टेररिस्ट को यार मारने में लगा पड़ा है। फिलहाल ना एक फैक्ट्री है जहाँ पे टेररिस्ट ने पूरी तरह से कब्जा कर रखा है और उस वाले जगह पे ना लॉस सैंटोस के काफ़ी सारे बंदे भी कैद कर रखा है टेररिस्ट लोगों ने। तो फिलहाल ना मिलिट्री कर्नल वहाँ पे गया हुआ है उनको बचाने के लिए। तो चलो यार अभी ना मिलिट्री कर्नल ना मुझे कॉल करके वहाँ पे ना किसी इंपॉर्टेंट काम से बुला रहा है। तो जल्दी जल्दी से ना अपनी कार को पकाते मैं सीधा चलता हूँ मिलिट्री कर्नल से मिलने के लिए। बाकी गाइस ये वाली कार ना कसम से क्या ही लग रहा है। तो ओके गाइस अभी ना मैं इस वाले बुगाटी को भगाते ना मैं सीधा उस साइड पहुंचने वाला हूँ जहाँ पे मतलब टेररिस्ट लोगों ने कब्जा कर रखा है। फिलहाल तो ये वो फैक्ट्री है और गाइस यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा ही खतरनाक सीन है, मतलब इतने सारे ट्रैफिक है और इनको पता है भाई सभी इधर टेररिस्ट है। खैर हो सकता है यहाँ पे ना मिलिट्री वाले स्पेशल फोर्स है तो हो सकता है काफ़ी सारे टेररिस्ट को ख़त्म कर दियो। तो यहाँ पे ये जो जगह है ना फिलहाल सेफ है तो चलो आराम से चलते हैं। और ये ओके तो यहाँ पे भाई साहब लास्ट से लास्ट है मतलब यहाँ पे एक मिलिट्री सोल्जर मरा पड़ा है। और एक सेकेंड यार यहाँ पे ना कुछ स्वेट सोल्जर्स है तो एक बार इन्हें जाकर इससे बात करते हैं कि आखिर ना मिलिट्री कर्नल कहाँ पर है और इससे जाकर बात करते हैं आखिर यार क्या बात है। तो गाइस अभी मैं इस बंदे से बात कर रहा था लेकिन पता नहीं ये एक टेररिस्ट कहाँ से आया और भाई साहब इस बंदे को यार हेडशॉट मार दिया। फिलहाल तो गाइस अभी ना मुझे गुस्सा दिला दिया है लेकिन यार मिलिट्री वालों ने एक अच्छा काम ये किया है, यहाँ पे कवर बना रखा है। तो गाइस अभी ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और भाई साहब इनका ना सबका भी खोपड़ी तोड़ूंगा मैं। फिलहाल तो गाइस इन लोगों ने यहाँ पे कब्जा तो ऐसे कर रखा है जैसे यार बाप का हो। फिलहाल तो गाइस इनका ना बहुत ही बुरे तरीके से मारूंगा। एक सेकेंड यार अभी ना माफिया का वेपन यूज़ करूंगा, अब इसी भैंस की आँख निकल यहाँ से। तो चलो यार यहाँ पे ना काफ़ी सारे बंदे हैं तो गाइस अभी ना ऐसे काम नहीं बनेगा, मुझे M249 निकालना पड़ेगा और इसकी भैंस की आँख निकल यहाँ से। इसके ऐसे की तस्वीर कब से ये लोग मतलब फायरिंग कर रहे हैं तो पता नहीं मिलिट्री वाले कर क्या रहे थे, भाई अभी मुझे मारना पड़ रहा है। तो चलो यहाँ पे मैंने कुछ बंदों को तो मार दिया और छत के ऊपर से यार मुझे ना कुछ लोग हेडशॉट मारने की कोशिश करने लगता है। यार ऊपर भी टेररिस्ट है, भाई साहब निकल ले ट्रेवर यहाँ से ना गाइस हम लोग चुपचाप ना मिलिट्री कॉल से बात करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। भाई साहब ये लोग इन लोगों को संभाल लेगा, यार ये मेरा काम नहीं यार यहाँ से निकलना चाहिए, फालतू में यार हम लोग यहाँ पे मरवर गए तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो चलो अभी ना मैं क्या सोच रहा हूँ ना यार एक बार इनका मुँह तोड़ देते भाई, क्या करो यार यहाँ से जाना चाहिए या फिर नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो चलो गाइस अभी ना यहाँ पे बहुत ही गंदा वाला सीन हो चुका है और भाई साहब यहाँ पे ना इन लोग मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे स्वेट सोल्जर और आ गए तो मुझे ना यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है। ये लोग ना आगे की तरफ जा रहे हैं और अभी ना लगता है सबको सारे मतलब टेस्ट को ख़त्म कर देंगे। तो फिलहाल ना इनसे मैंने पूछ लिया कि मिलिट्री कर्नल का है तो इस वाले घर पर है तो जाकर इससे बात करते हैं। और गाजर इधर ना काफ़ी सारे बंदे थे तो चलो कोई ना इधर भी ना कुछ बहुत मिलिट्री वाले हैं तो इधर ना हो सकता है कर्नल के सेफ्टी के लिए हो। तो चलो यार एक बार ये जाकर बात करते हैं। और भाई साहब अभी ना ये कर क्या रहे भाई यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे ये छुप करना किसी से बात कर रहा है। तो चलो गाइस अभी ना मिलिट्री कॉल से मैंने बातचीत कर लिया। फिलहाल तो गाइस मिलिट्री कॉल में बोल रहा है ना कि इसे ना एक टैंक चाहिए जो कि यार एक बार ना हम लोग टेररिस्ट के पास से चोरी किए थे ना, तो वो वाली टैंक ना अभी एक गैंग के पास है, बहुत ही बड़ा गैंग है मतलब यार लॉस्ट गैंग के साथ वो गैंग मिला हुआ है और भाई उन लोगों के पास ना वो वाला टैंक है। तो अभी ना मिलिट्री कॉल में बोल रहा है कि अभी ना टेररिस्ट को हमें ख़त्म करना है
तो यार हमें ना वो वाला टैंक चाहिए, क्योंकि हम लोग उस वाले टैंक को ले करके ना सीधा हम लोग टनल के अंदर जा सकते हैं और सबको ख़त्म कर सकते हैं। फिलहाल इधर मिलिट्री कल ना यहाँ पे यार बहुत ही खतरनाक वाला अटैक करवा दिया है, मतलब और भी ज़्यादा मिलिट्री फोर्स लेकर के आ गया है। और भाई सब इस बारी ना यहाँ पे हेलीकॉप्टर से अटैक करवा रहा है। फिलहाल तो भाई यार सामने की तरफ देख सकते हो क्या ही तबाही मच रही है। और अभी ना मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ ट्रेवर को लेकर के, यहाँ पे ना मैं नहीं चाहता यहाँ पे मरना, तो चलो भाई ट्रेवर यार जल्दी से आके बैठ और भाई साहब यहाँ से निकलना चाहिए। तो ओके गाइस, अभी ना मैं यहाँ पे ट्रेवर को बैठ चुका हूँ इस वाले बुगाड़ी को लेकर के। और भाई साहब उस साइड ना क्या ही तबाही वाली लड़ाई हो रही थी, मतलब यार टेररिस्ट के तो भाई साहब यहाँ पे मिलिट्री वालों ने भाई ऐसी तैसी कर रखी है। खैर छोड़ो गाइस, जिनको हम लोग लड़ने देते हैं, फिलहाल तो हम अपना काम करते हैं। मुझे ना बैनी को बचाना है, तो इसके लिए अभी मतलब लेस्टर मुझे कॉल किया था और अभी ना वो अपने एक सीक्रेट बेस पर बुला रहा है। तो जल्दी से ना गाइस वो शायद से ना पैसों का जुगाड़ भी कर दिया है, पता नहीं गाइस वो इतना सारा पैसा कहाँ से लाया। वैसे उसके पास ना कुछ पैसे वगैरह भी नहीं थे, तो चलो एक बार हम लोग जा करके ना बात करते हैं। वैसे गाइस मुझे ये नहीं पता कि पता नहीं यार हम लोग पैसे देंगे लॉस्ट गैंग को, और पता नहीं वो लोग बैनी को और जिम्मी को हमें वापस करेंगे भी या नहीं। खैर कोई बात नहीं, अगर एक बार हम लोग मतलब उनका लोकेशन मिल जाता है ना, तो हम लोग ना वहाँ पर जा करके आराम से उनका ना बैंड बजा सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, अगर हमें जिम्मी को बचाना पड़ेगा, बैनी को बचाना है, तो हमें ये भी काम करना ही पड़ेगा। तो चलो यार जल्दी जल्दी चलते हैं लेस्टर के पास। तो ओके गाइस, अभी ना मैं अपने बुगाड़ी को भगाते ना सीधा पहुंचने वाला हूँ लेस्टर के सीक्रेट बेस पर। बाकी यार एक सेकंड, मुझे ना सामने से जाना था और यहाँ पे ना यही आस ओके तो ये वाला था, तो शायद से मुझे राइट लेना है। तो चलो गाइस यहाँ पे आराम से चलते इस वाली गली से। बाकी यार सुपर कार को मुझे कैसे कैसे जगह पर चलाना पड़ रहा है, खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है। यार कहाँ पे रास्ता था, एक सेकंड, इधर को जाना है मुझे, तो चलो यहाँ पे चल लेते हैं। और यार यही आसपास ही था लेस्टर का वाला सीक्रेट बेस। ओके वो रहा सामने से शायद से, भाई इधर भी नहीं, ओके ये सामने रहा। तो चलो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ, बाकी ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और यहाँ पे मास्टर फ्राई को कौन लेकर के आया। तो चलो गाइस यहाँ पे ना चुपचाप से अपने गाड़ी को ना पीछे खड़ा कर देते हैं और जाकर लेस्टर से बात कर लेते हैं कि आखिर भाई उसके दिमाग में चल क्या रहा और भाई साहब प्लान क्या बनाया है। क्योंकि गाइस अभी ना मुझे पता है अगर मैं उन्हें पैसे भी दे देता हूँ तो शायद से ही वो मुझे वापस करेंगे बैनी और जिमी को। तो चलो यार जाकर ना सबसे पहले लेस्टर से बात करते हैं कि, और भाई साहब इतने सारे पैसे यार मुझे लगता नहीं ये सारे फेक मतलब नकली नोट है। तो चलो गाइस जब मैंने लेस्टर से बातचीत कर लिया, फिलहाल लेस्टर ने मुझे सारा प्लान समझा दिया है, मतलब यहाँ पर ना ये मतलब डुप्लीकेट कैश का जुगाड़ किया है और भाई साहब ना इस वाले एसयूवी के पीछे वाले डिक्की पर डाल दिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा भाई साहब पूरे $100 million है, लेकिन इसके ऊपर ऊपर साइड ना मतलब असली वाले नोट है, मतलब यार फेक वाले भी ना वो लोग पहचानने नहीं वाले, मतलब इतना खतरनाक वाला नोट मतलब लेस्टर ने जुगाड़ किया है। तो चलो अभी ना लेस्टर का प्लान ये है कि इस वाले गाड़ी के अंदर ना, इस वाले एसयूवी के अंदर ना एक बहुत ही खतरनाक सा बॉम्ब लगा दिया है, मतलब ना ये वाली कार के साथ मतलब पैसे के साथ साथ ये वाली कार भी हमें उस बंदे को देना पड़ेगा, लॉस सैंटोस मतलब लॉस गैंग के बंदों को। तो चलिए यार जल्दी जल्दी से चलते हैं। और भाई साहब ये ना बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया है लेस्टर ने, लेकिन अगर ये काम किया तो ही, वरना भाई साहब हो सकता है वो लोग पैसे को दूसरे वैन में ट्रांसफर करे और चला जाए। तो चलो कोई बात नहीं, अभी ना मैं ना यहाँ पे चल लेता हूँ सीधा सारे कैश को लेकर के। और यार पता नहीं वो लोगों ने लोकेशन तो दे दिया है मुझे, लेकिन यार वहाँ पे ना गन वगैरह लेकर के जाना तो मुश्किल लग रहा है। खैर अभी ना गाइस मुझे चिंता करने की कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि गाइस अभी ना लेस्टर बोल रहा है अगर वो लोग पकड़ लेंगे तुम्हें ना तो मैं आराम से तुम्हें निकाल लूँगा वहाँ से, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलिए यार जल्दी जल्दी से ना इस वाले एसयूवी को भगाते ना मैं सीधा चल लेता हूँ उनके दिए गए लोकेशन पर। और भाई साहब मौसम कैसा हो रहा है, तो ओके गाइस पूरे 2 घंटे बाद मैं ना भगाते पहुँचने वाला हूँ उनके दिए गए लोकेशन पर। बाकी यार ये ना पलीटो के साइड है और भाई साहब ये लोग इधर क्यों बोल रहे हैं, हो सकता है यार इनका ना कोई नया अड्डा हो ये। और भाई साहब ये तो अलग ही लोकेशन है। और ओके ये रहा सामने ने यार काफ़ी सारे लॉस्ट गैंग के बंदे हैं और ये लॉस्ट गैंग के बंदे ही लग रहे हैं मुझे। तो चलो कोई ना जा कर ना इनसे बात करते हैं। और सामने ने काफ़ी सारे लॉस्ट गैंग के यार वैन खड़ी है। तो ओके गाइस अभी ना इन लोगों ने सारे वेपन्स वगैरह हमसे छीन लिया है और ये ना बिना वेपन को मुझे अंदर जाने के लिए बोल रहा है, मतलब ये घर भर नहीं है, मतलब ऐसे ही इन लोगों ने साथ से कोई रेंडम लोकेशन पर बुला लिया पैसे लेने के लिए। और यहाँ पर देखते हैं जा कर के इन लोगों ने मतलब बैनी को लाया या नहीं। वैसे यहाँ पे ना देख रहे हो काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी है और हो सकता है, ओ भाई साहब इधर तो भाई बहुत सारे गैंग के बंदे हैं, मतलब लॉस्ट गैंग के ही बंदे हैं, लेकिन गाइस यार देख रहे हो कितने सारे हैं। भाई साहब यहाँ पे ना आराम से चल लेता हूँ मैं। और अभी ना गाइस इन्हें चुपचाप जाकर बातें करते हैं, पैसे देते हैं और भाई साहब आराम से अगर नहीं छोड़ा ना, लेकिन यार मैं कर भी क्या सकता हूँ, मेरे पास तो वेपन्स भी नहीं है। तो चलो गाइस अभी ना मैं जल्दी से जाकर इस बंदे से बात करता हूँ। ओ भाई साहब इधर तो यार क्या ही खतरनाक तरीके से कुटाई चल रही है बैनी की, और यहाँ पे भाई साहब जिमी को भी बहुत मारा है। यार मैं इन बंदों को छोड़ने नहीं वाला हूँ, एक बार अगर मैंने बचा लिया जिमी को बैनी को कि भाई साहब इनका ना मुंह तोड़ूंगा मैं घर में जा करके। तो चलो गाइस अभी ना जल्दी से ना बात करती इन बंदों से।
तो ओके गाइस, मैंने इस बंदे से बात कर लिया फिलहाल। तो गाइस अभी ना बोल रहा है सबसे पहले तुम पैसे दिखाओ लाया हो या नहीं। तो अभी ना ये बंदा पैसा चेक करने वाला है, और गाइस अभी ना मुझे डर लग रहा है अगर ये पहचान लिया कि ये नोट नकली है तो भाई दिक्कत हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, लॉक खोलते हैं और भाई दिखाते हैं। तो ओके गाइस अभी ना देख रहे हो कितने सारे नोट है। तो ओके गाइस अभी ना इस बंदे ने सारा कैश वगैरह देख लिया और अपने बॉस से भी बात कर लिया फिलहाल। तो गाइस अभी ना देखते हैं क्या सीन होता है। और भाई सब देख रहे हो कितने सारे बंदे भाई यहाँ पे ना, क्या ही किडनैप किया था इन लोगों ने। तो चलो गाइस अभी ना इस बंदे ने मुझे यार यहाँ से जाने की परमिशन दे दी है, और इसने ना मतलब जिमी को और बैनी को भी छोड़ दिया है। और फिलहाल अभी ये बोल रहा है अगर ज़्यादा चौड़े हुए ना तो भाई साहब तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा। मतलब यार माइकल को धमकी दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसे मैंने बोल दिया भाई तुम गाड़ी भी ले जाओ लेकिन बैनी को छोड़ दो। तो फिलहाल ना ये अपने एसयूवी को भाई जैसा हम लोगों ने प्लान बनाया था ना उसी के मुताबिक ये सारे पैसे को इसी एसयूवी में लेकर के जा रहा है। तो चलो यहाँ पे ना देख रहे हो सामने बैनी और जिमी बैठा हुआ है। तो चलो गाइस अभी ना मुझे ना बस लेस्टर को एक बारी कॉल करके बताना है कि वो ना अपने एसयूवी में बैठ चुका है। तो भाई साहब वो ना अपने घर से ही सारा मतलब उस वाले एसयूवी को ब्लास्ट करने वाला है। तो चलो गाइस अभी ना हम लोग पीछे पीछे चलते हैं और आराम से चलेंगे ताकि इन्हें ना शक ना हो। तो यहाँ पे ना भाई साहब पीछे आराम से ना जिमी वगैरह बैठा हुआ है। तो ओके गाइस अभी लेस्टर को मैंने कॉल करके सब कुछ बता दिया है फिलहाल। तो वो बोल रहा है ना 10-20 सीकेंड भी वो बम एक्टिवेट हो जाएगा और भाई साहब बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होगा। खैर सामने चल, ओ भाई साहब वो देखो भाई 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 क्या ही खतरनाक तरीके से ब्लास्ट हुआ है। और गाइस उसके आसपास ना जितने बंदे थे ना सारे लगता है मारे गए। तो गाइस अभी ना लेस्टर मुझे पहले बोल रहा था कि ज़्यादा तुम सामने मत जाना वरना वो ना बॉम्ब बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो फिलहाल तो गाइस वो ना देख रहे हो भाई साहब क्या ही आग फैल चुकी है। और भाई साहब वो ना एसयूवी के साथ साथ ना सारे पैसे के साथ साथ ना वो लॉस्ट गैंग के बंदा ही भी मर गया। मतलब उसके साथ साथ ना जितने भी वैन खड़ी थी ना वो भी मारा जा चुका है। तो गाइस वैसे दिक्कत लेने कोई बात नहीं, वो सारे जो कैश थे ना वो नकली थे। तो चलो गाइस अभी ना मुझे ना कर्नल ने जो काम दिया वो ही मुझे करना है फिलहाल। तो मैंने ना जिमी को और बैनी को बचा लिया। तो ओके गाइस अभी ना मैं अपने वैन को भगाते भगाते मतलब लॉस्ट गैंग के ये वैन है तो मैंने इसे भगाते भगाते आ चुका हूँ इस वाले जगह पर। और गाइस मैंने उनसे वेपन लेना भूल गया और भाई साहब वो मेरे सारे वेपन लेकर के चले गए। कोई बात नहीं, अभी ना अपने पास एक मतलब यहाँ पे ना एक एम्यूनेशन है। तो मैं ना गाइस सोच रहा हूँ एक तगड़ी से ना मतलब एक नहीं काफ़ी सारे तगड़ी तगड़ी वेपन्स वगैरह भी खरीद लूँ। तो यहाँ पे आर्मर लेता हूँ थोड़ा बहुत और वेपन्स वगैरह का भी मैंने जुगाड़ कर लेता हूँ यहाँ से। तो ओके गाइस मैंने इस बंदे से ना सारे वेपन खरीद लिया जो कि मेरे पास पहले था। बाकी गाइस अभी ना अपने पास सारा वेपन वापस आ चुका है भले ही पैसा लगा। खैर कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, मैंने ना जिम्मी को और बैनी को बोल दिया भाई साहब तुम लोग ना सीधा शोरूम पे निकल लो। और उन्हें मैंने बता दिया कि शोरूम पे मैंने अब यहाँ पे ना मतलब काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड भी लगा दिया। तो अभी ना मैं क्या सोच रहा हूँ सामने एक अच्छी सी तगड़ी सी ये वाली ऑफ रोडिंग कार है मतलब गाड़ी है, तो चलो इसे हम लोग ले करके चलते हैं। और भाई साहब जल्दी से बैठ जा। और गाइस अभी ना कर्नल ने मुझे लोकेशन भी दे दिया है उस टैंक का मतलब जो कि लॉस्ट गैंग के पास है। तो ओके गाइस अभी ना मैं जल्दी जल्दी से ना भगाते भगाते मैं सीधा चलने वाला हूँ लॉस्ट गैंग के उस वाले अड्डे पर जहाँ पे गाइस उन लोगों ने मतलब उस वाले टैंक को छुपा करके रखा है। वैसे उन लोगों ने साथ से कहाँ मतलब किस कहाँ से लाया वाला टैंक मुझे नहीं पता, लेकिन वो लॉस्ट गैंग का नहीं है मतलब किसी और गैंग का है। मतलब यार आपको पता होगा वो लोग ना बहुत सारे गैंग को ज्वाइन कर चुके हैं मतलब अलग अलग गैंग के साथ मिल चुके हैं और माफिया के साथ भी मिले हुए। तो हो सकते हैं भाई साहब उनके पास ना कोई तगड़ी सी टैंक होगा जिसके बारे में मुझे कर्नल बता रहा था। खैर कोई बात नहीं, अभी यार बैनी का भी बदला लेना है, जितना भी उन लोगों ने मारा है ना बैनी को और जिमी को तो उसका भी बदला लेना है और टैंक भी लाना है। तो ओके गाइस अभी ना जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने अपने इस वाले गाड़ी को भगाते भगाते मैं सीधा आ चुका हूँ लॉस्ट गैंग के अड्डे पर। फिलहाल तो कर्नल ने मुझे बताया था वही ये वो जगह है। हालांकि इस वाले जगह पर ना मैं आकर ना इनका ना बैंड बजा चुका हूँ, लेकिन अब इस वाले जगह पर ना भाई सब बहुत सारे अलग अलग गैंग के बंदे रहते हैं मतलब यार लॉस्ट गैंग के साथ साथ जो जो भी मिले हुए। तो चलो आराम से चलते हैं। और यहाँ पे ना गाइजर कोई अच्छा सा स्नाइपर निकाल करके ना मैं जूम करके देखता हूँ क्या चल रहा है। तो ओके गाइजर जैसा कि भी आप लोग देख सकते हो सामने की तरफ ना मुझे काफ़ी सारे बंदे तो नज़र आ रहे हैं। और भाई साहब ये रहा वो टैंक, और ये ना वही टैंक है मतलब उसी तरह से टैंक है जो कि गाइजर मैंने टेररिस्ट के पास से चोरी किया था। और भाई साहब यहाँ पे एक बंदा है, और भाई साहब इस साइड ना देख रहे हो कैसे कैसे क्लाउन टाइप मतलब ये ना साथ से किलर क्लाउन है। और भाई साहब ये अलग ही टाइप के बहुत ही खतरनाक गैंग है मतलब ये ना साथ से क्लाउन गैंग है। तो चलो इनका ना एक बार ही इनका हेड मारता हूँ, चल निकल यहाँ से। बाकी गाइस अभी ना मुझे नहीं लगता यहाँ पे सामने जा पाऊँगा मैं आराम से। ओके तो यहाँ एक बंदा भागते भागते आ रहा है, इसकी ऐसी की तैसी निकल तेरी। तो चलो ये गया, मैंने यहाँ पे बिग माफिया वाला वेपन यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि जो वो वाले वेपन से ना मैं सबको उछाल उछाल के मारूंगा बहुत ही बुरे तरीके से मारूंगा। तो चलो कोई बात नहीं, अभी ना अंडर वाटर माफिया अपने साथ है, बाकी जिसके पास भी बहुत खतरनाक सा वेपन है तो ये संभाल लेगा। बाकी ना मैं यहाँ पे निकल तेरी ऐसी की तैसी यार। चलो वो गया, बाकी इस बंदे को ना भाई साहब देख रहे हो कैसे हवाई में उछल गया।
तो चलो गाइस यार, अभी ना इस वाले जगह पर ना बहुत खतरनाक लड़ाई हो चुकी है। मतलब देख रहे हो यार, लोस्ट गैंग के साथ साथ ना बहुत सारे गैंग मिले हुए हैं जो कि यार अपने को मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कभी ना इनका यार मौत आ चुकी है। अभी ना जितना बैनी को मारा था ना उतना मैं इनका मारूंगा। निकल यहाँ से पहले फुर्सत में। तो ओके गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पे ना भाई दो तीन गैंग के बंदे और भाई जिनसे ना बहुत ही खतरनाक वाली लड़ाई हो चुकी है अपनी। फिलहाल तो अपने पास अच्छी खासी वेपन से तो मैंने इनका मुंह तोड़ने वाला हूँ यार। सर भी फोड़ूंगा, निकल तेरी भैंस की टांग। सामने से यार कवर लेके मार रहा है यार, यहाँ पे अंडर वाटर मार के भाई साहब देख रहे हो कैसे डर डर के रिलोड कर रहा है। मतलब कवर लेकर के मार रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई साहब, आराम से ना बच बच के मारेंगे इसकी। ऐसी की तैसे निकल यहाँ से भाई, ये वाली वेपन ना मुझे संभाल कर यूज़ करना है क्योंकि इसका जो झटका है ना भाई अंडर वाटर माफे को भी लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी ना यहाँ पे सबको उड़ा उड़ा के मारूंगा। निकल तेरी, तो क्या ही उछला है बंदे ने। तो चलो गाइस, अभी ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और इस वक्त ना गाइस मैं आरपीजी निकाल लिया। फिलहाल माफिया ने और मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे बंदों को ख़त्म कर दिया और इस वक्त ना गाइस यार देख रहे हो यार क्या ही आरपीजी चला रहा हूँ मैं। खैर यहाँ पे सामने कोई है क्या? ये तेरी, तो निकल यहाँ से। तो चलो सामने जाते हैं, थोड़ा सा ना ऊपर के साइड से आराम से मारते हैं, इस साइड कोई नहीं है। और भाई सब ये लोगो यहाँ पे बंदा चुपके मार रहा है। निकल तेरी भैंस की टांग। चलो ये भी गया, बाकी का यार आराम से चलते हैं किसी और जगह पर ना। और मुझे ना किसी भी तरह से ना टैंक को लेना पड़ेगा और यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि गाइस यार अभी ना यार वो हो सकता है यार वो लोग ना सीधा टैंक लेकर यहाँ से निकल ले और हो सकता है टैंक में बैठ कर हमें मारने लगे, तो ये मैं नहीं चाहता। तो आराम से ना भागते भागते हम लोग सामने की तरफ चलते हैं। इसकी ऐसी की तैसी यहाँ पे ना सबका घर वर तोड़ दूंगा मैं। तो ओके गाइस यार, अभी ना जल्दी से जाकर टैंक में बैठते हैं यार। तो मैंने सारे बंदे ख़त्म कर दिए और भाई सभी ना घर वर सब तोड़ूंगा भाई इस वाले टैंक की मदद से। यार भाई क्या ही प्यारी लग रही है, क्या ही मॉडिफिकेशन किया है भाई इस वाले टैंक का। वैसे चलो अभी ना मैं माफिया को बोलता हूँ ना सामने पीछे वाले बैठे और वेपन चलाए, बाकी मैं ना यहाँ पे रॉकेट चलाने वाला हूँ। इसकी ऐसी की तैसी अभी ना सबका घर तोड़ूंगा मैं। जितने ही बंदे बाहर मतलब अंदर छुपे बैठे हैं भाई सब निकल लो। ओके यहाँ पे घर के अंदर से ना कुछ बंदे निकल रहे हैं, ये ना सारे दूसरे गैंग के बंदे हैं, लोस्ट गैंग के तो बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं गाइस ये कहाँ के बंदे, फिर हो सकता है जो भी होगा। अभी तो यार इनका ना मौत आ चुका है। इसकी ऐसी की तैसी कौन मार रहा है भाई? तो चलो यहाँ पे ना निकल दे रही थी भाई साहब, क्या ही चल रही है भाई। ओके ओके आराम से भाई, यहाँ पे ना अंडर वाटर में आपके वेपन चला रहा है ऑटो गन। यहाँ पे ना चलते हैं भाई ऊपर वाले, मतलब यहाँ पे देख रहे हो भाई साहब दो दो खतरनाक वेपन लगी हुई है। एक से तो रॉकेट निकलता है, एक से भाई यहाँ पे देख रहे हो M249 जैसा धड़ चलता है। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ना आराम से ना सबकी मुँह तोड़ते हैं। और फिलहाल तो गाइस अभी ना देख रहे हो क्या ही जबरदस्त चल रही है। वैसे चलो ये वाली टैंक ना हमें चोरी तो करनी थी, साथ ही साथ ना इनका भी हम लोग इसी टैंक की मदद से हम लोग बैंड बजाते हैं। तो चलो यहाँ पे ना भाई साहब देख रहे हो कितने सारे बंदे, भाई निकल ले यहाँ से, निकल ले निकल ले। माइकल आ गया भाई, मार जाओगे तुम लोग यार। चलो कोई बात नहीं, चलो भाई निकल यार, इसे मैंने कुचल दिया। खैर इस वाले टैंक की ना गाइस यार एक खास बात है, भागती बहुत स्पीड है। तो चलो यहाँ पे मैंने सारे बंदे को शायद से ख़त्म कर दिया। वो नहीं नहीं नहीं, इन लोगों ने शायद से ना और भी बंदे कॉल कर दिए। हो सकता है कि यार दूसरी जगह से ना और भी माफिया को कॉल कर दिया हो, उसके और भी ज़्यादा गैंग के बंदे आ रहे हो। खैर यहाँ से ना मुझे निकलना चाहिए क्योंकि यार अभी ना इस वाले जगह पर ना मैंने पूरी तरह से लाश ही लाश बिछा दी हो और मैं नहीं चाहता कि और भी बंदे ये लोग कॉल करके बुलाए और अपने को ना भाई साहब यहाँ पे टैंक को खोना भी नहीं है, वरना आरपीजी मार दिया भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। खैर ये टैंक ना मतलब बुलेट प्रूफ है और फायर प्रूफ भी है यार, देख रहे हो क्या ही लगती है। और अगर मैं किसी को मार दूँ ना इससे भाई साहब, उसकी तो भाई बैंड ही बच जाएगी। तो चलो कोई बात नहीं, अभी ना सामने से ना कोई हेलीकॉप्टर साउंड आ रहा है मुझे यार। ओके वो रहा यार सामने ना, ये अपने पास यार। निकल तेरी भैंस की टांग। चलो यार जो भी था पुलिस था, पता नहीं कौन था। ओ भाई यार पुलिस वाले इधर भी आ गए। चलो कोई ना, अपने पास इतनी खतरनाक टैंक है यार, देख के इनकी फट गई होगी। तो चलो कोई बात नहीं, अभी इनको नहीं मारते भाई, छोड़ो ये अपना ड्यूटी कर रहे। निकलते हम लोग यहाँ से फटाफट से। तो चलो गाइस ये वाली टैंक आपको कैसा लगा फटाफट से कमेंट बताओ। खैर इस वाले टैंक को ना हमें एक खतरनाक से टनल के अंदर लेकर के जाना है और टेस्ट के ना बैंड बजानी है। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से जाकर के वीडियो में पूरे 2000 लाइक कर देना, 2000 लाइक टारगेट है। और गाइस इंस्टाग्राम पे और डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना जरूर से, वहाँ पे हम लोग बातें करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और अपना ख्याल रखना।